राष्ट्रीय सेवा योजना महिला कॉलेज की छात्राओं द्वारा 7 दिवसीय विशेष आवासीय शिविर का समापन समारोह महिला कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य कामिनी सिन्हा के साथ कई शिक्षक गण भी मौजूद रहे। छात्राओं के द्वारा गीत की भी प्रस्तुति दी गई। मैं क्या कहना है शिविर को लेकर कॉलेज के प्राचार्य और छात्राओं का, आइए सुनते हैं। पढ़ाई बेल प्रेम की अखंडता की चाह की, भावना से ये चमन निखार दे, भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये पार दे, सजीव सुंदर सवार दे, उठे नगर नगर डगर डगर आए दिन बहार के, आप चले हमें मिले खुशियों के द्वार खिले, आप चले हमें मिले स्वागतम 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 के द्वारा जो 6 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन किया गया था, आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, आप लोगों ने क्या क्या सीखा अब तक? हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और हम लोग को 7 दिन का था कैंप और हम लोग को 7 दिन में 7 तरह का बात बताया गया और 7 दिन में हम लोग को हर एक दिन हर टीचर आते थे और हम लोग को हर एक बात बताते थे और हम लोग तो बहुत जागरूक हो गए। हम लोगों ने जाके सर्वे भी किया और सर्वे करके हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम लोग बहुत खुश भी हैं कि हम लोग का कैंप अच्छा जा रहा है। क्या नाम है? अनामिका कुमारी, बी ए पार्ट 2 की छात्रा। एनएसएस के स्वयं सेविका हैं और बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने। सबसे ज़्यादा खास क्या लगा आपको इस कैंप के दरमियान? जैसे भी हमारी थाना अध्यक्ष मैम आई हुई थी तो उन्होंने हमें जैसे छोटी छोटी टिप्स दी हैं जो कि आजकल की हम यंगस्टर नहीं फॉलो करते उनकी बातों को, जैसे मोबाइल पे ज़्यादा लगना, सोशल मीडिया से ज़्यादा कॉन्टैक्ट रखना, तो होता है कि आप कोई भी वायरल होता है कोई भी मैसेज वीडियो किसी तरह का, उससे आपको सावधानी रखनी चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही लगा और मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं खुद एक मार्शल आर्ट से हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें आप बताई गई और लड़कियों ने फॉलो भी किया और हमने जो सर्वे किया गाँव में सारे लोगों को बताया, उनकी तकलीफों को सुना। आगे इस तरह कैंप का आयोजन किया है तो क्या आप उसमें भाग लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो न्यू थी इस बार और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिला और मैंने बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट की और मुझे आगे भी मैं चाहूँगी कि मैं एनएसएस से जुड़ी रहूँ। क्या नाम है? ज्योति सिंह। कैंप के दरमियान आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, सबसे ज़्यादा उसमें क्या खास लगा सीखने के दरमियान? सीखने को यही मिला कि हम जहाँ गए थे वहाँ काफ़ी गरीब लोग थे, बीपीएल ऐसे थे जिनका कोई कार्ड भी नहीं है, जिनके घर शौचालय नहीं है, जिनके घर बिजली का कनेक्शन नहीं है, उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर का कनेक्शन नहीं है, उनके बारे में बात करके उनके दुखों को समझ के फिर हमने वार्ड पार्षद से वहाँ बात किया, उन्हें बताया कि घरों में शौचालय बनवाई, जिनके घर शौचालय नहीं है, उन्होंने मतलब जो हमें देख के जो उम्मीद मिली कि अब ये लोग शायद कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, शायद हमारे घर शौचालय बन सकता है, उस उम्मीद को देख के बहुत अच्छा लगा और शायद वार्ड कमिश्नर जी ने कहा है कि वो कुछ कराएंगे तो शायद वो बनाए भी शौचालय। क्या नाम हो? मेरा नाम पूजा कुमारी, पीजी 4 सेमेस्टर। दिवसीय जो आवासीय शिविर चला ये समापन है, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ जो विशेष आवासीय शिविर लगा है एनएसएस के द्वारा वो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही सफल रहा, क्योंकि हमारी जो एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी हैं एवं मेरी छात्राओं ने बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन किया है। 7 दिनों तक यह जो शिविर चला, एनएसएस के अंतर्गत जो जो कार्यक्रम होने वाले चाहिए थे, जो होना चाहिए था, वे सही माने में इन लोगों ने
कार्य किया है और इन लोगों के कार्यों से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। तो क्या छात्राओं को जो स्वयं सेविका है उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा? अभी वर्तमान में तो पुरस्कृत किया जाएगा जो कि टीम लीडर हैं, उनमें से कुछ लोगों को तो टीम लीडर्स को अभी पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद इसमें चूँकि बहुत सारी ऐसी भी छात्राएँ थीं जो कि मतलब इंटर अंडर ग्रेजुएट की थी, तो सबके सामने पुरस्कृत करना थोड़ा सा उन लोगों का मनोबल कम होगा, लेकिन सबको दिया जाएगा। यानी छात्राओं को पुरस्कृत किया जाए ताकि उनका मनोबल बढ़े। एकदम पुरस्कृत किया जाएगा, सभी छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। क्या नाम है मैम आपका? मैं प्रधानाचार्य कामनी सिन्हा।